हेल्थ मैनेजर का उसमें आवाज है? हाँ, वो वहाँ पे धरना धरा था। हाँ, और एक ऑडियो जो वायरल हुआ था वो हेल्थ मैनेजर का आवाज है? हाँ, तो सर का आवाज लग रहा था। रूपेश कुमार राज, स्वागत है आपका न्यूज फॉर बिहार में। आज मैं मौजूद हूँ सन्होला अस्पताल के गेट पे। आप देख रहे हैं ये सन्होला अस्पताल है। ये जो है अस्पताल काफी दिनों से, लगभग एक महीने से विवादित चल रहा है। और ये विवादित इसलिए चल रहा है कि यहाँ के हेल्थ मैनेजर के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि अस्पताल को बर्बाद करने की बात कही जा रही है, अस्पताल को सत्यानाश करने की बात कही जा रही है। और आज एक पदाधिकारी आए थे जांच में यहाँ पे, इससे पहले भी जांच किया जा चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज भी जो पदाधिकारी जांच में आए थे वो भी चार घंटे जो है उनके द्वारा गुप्त यानी कि अंदर खाने में गुप्तगु चलता रहा। और यहाँ पे जब निकलने के बाद उन्होंने भी, लगता है जैसे कि इस मामले पर लीपापोती करके चला गया है यहाँ पे, जबकि जिसका गवाही में नाम था उनके द्वारा कहा गया कि एक भी गवाहेदार यहाँ पे मौजूद नहीं था जो कि आवेदक से जुड़ा हुआ था। जिनको यहाँ पे सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, वो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं। और जिनको कि समुचित व्यवस्था मिलना चाहिए, जिनको कि काम यहाँ पे जो कर रहे हैं उनको यहाँ पे अगर वो सच्चाई उजागर करते हैं तो जो है उनको यहाँ से डायरेक्ट पद पर से निलंबित कर दिया जाता है। ये है यहाँ का काला कारनामा यहाँ के हेल्थ मैनेजर के द्वारा ऐसा हो रहा है। हेल्थ मैनेजर है राशिद मंजूर। आप देख रहे थे न्यूज फॉर बिहार, मैं हूँ रूपेश कुमार राज, धन्यवाद। अब्सेंट था जो उच्च अधिकारी, अभी जांच में आया था, उन्होंने बताया कि कोई नहीं आया, अब्सेंट था। नहीं, सभी स्टाफ आए हुए हैं, जो गवाह में थे सब टोटल आए हुए हैं। और कौन है यहाँ पे, कोई बुलाइए उनको। इस पे कार्यरत थे यहाँ संजीवनी डाटा ऑपरेटर से थे, उर्मिला कंपनी के थ्रू। उर्मिला कंपनी के थ्रू आपको निकाल दिया गया जी। निकालने से पहले कोई शो काउज पूछा गया? कोई सूचना हमको नहीं दिया गया है। ऐसा तो होता नहीं, सूचना तो आपको दिया होगा। कोई अल्टीमेटम मिलना चाहिए एक महीना पहले। हाँ, और कोई स्पष्टीकरण अस्पताल के द्वारा नहीं पूछा गया है? कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं पूछा गया। मैम पूछा गया क्या कि आपसे, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो हम बोले हाँ सर, एक बार नहीं तीन बार हुआ है। हमें गाली गलौज करके यहाँ से होकर के हमको गाली गलौज किया, और हमको यहाँ कोल्ड चेन में हम काम कर रहे थे, ट्रेनिंग करते हुए हमको निकाला गया। उसके बाद भुवन चेक किया, उसमें भी, उससे भी नहीं हुआ, वहाँ भी तंग करके यहाँ बहुत तंग किया, गाली गलौज किया। ऐसे कितनों लोगों के साथ हुआ है मैडम? बहुत के साथ हुआ सर। एक रेड एएनएम है, जीएनएम को हटाया गया, एक डाटा ऑपरेटर को हटाया गया, आशा को हटाया गया, ये आए कर्मचारी के साथ में ये आपसे गवाही लिया गया अभी जी? क्या यही जो बोल रहे हैं, बोला आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अपना परिचय दे दीजिएगा मैडम। किरण दामोदर नहीं बुलाया, वहाँ तो बोला कि जिसके जिसका आरोप है वो उपस्थित नहीं है, अब्सेंट है। आपका जो अधिकारी जांच में आए थे वो बोला कि अधिकारी अधिकारी आखिर उपस्थिति पंजी नहीं देखे होंगे? अनुपस्थिति पंजी है ना, वहाँ दर्ज है मेरा। कहा गया कि आप लोग अनुपस्थित हैं, कोई उपस्थित ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले का मिली भगत से लीपापोती किया जा रहा है? अब ये तो अंदर की बात है, ये पदाधिकारियों की बात। अच्छा, वायरल ऑडियो में आपकी भी आवाज है, आप कबूल कर रहे हैं कि आपका आवाज है वो? जी हाँ, आवाज है। तो वो हेल्थ मैनेजर का आवाज है? बातचीत चल रहा है वो कौन है? वो हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक। आपको डर नहीं लगता है बर्बाद करने की बात कहता है इतने कड़ी कड़े आवाज में, आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर से आते हैं तो डर तो लगता ही है। आपके जान को तो कभी भी खतरा है? हाँ वो तो है। मामला ये भी है कि वहाँ पे बहुत आदमी को बैठक किया जाता है, बहुत आदमी बैठते हैं। हाँ ये तो सच है। सच है, सच है। उस आदमी को कौन बुलाता है? आदमी को कौन बुलाता है? इतना आदमी का जल्दी बसता है? ये बात कैसे कबूल करें, कौन बुलाता है इतने सारे स्टाफ? लेकिन अननोन आदमी पर मैनेजर, हेल्थ मैनेजर क्या किसी होता है? तो सबके है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं पंकज कुमार, यहाँ के लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला प्राविधिक। घोटाला का भी कुछ मामला आ रहा है? क्या मामला? ये सही है घोटाला का जो मामला है? अब देखिए, अभी सर लोग आए थे, अब क्या क्या बात हुई अंदर ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हमने भी सुना है। भी उपस्थित नहीं हुए जी, जिनका जो धरना दिए, प्रदर्शन किए, या जबकि ये हमको जहाँ तक है कि 15 दिन पहले सूचना दे दी गई है। हाँ। पेपर में भी निकला जी, लेकिन कोई आदमी उपस्थित हुए नहीं, इसलिए इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते। और कुछ आशा वगैरह का यहाँ टीकाकरण वाले का वेतन रुका हुआ है सर, उसका कब तक ही हो जाएगा?
क्यों रुका हुआ है, टीकाकरण नहीं किया जैसे होगा कभी, कोई भी एक महिला है सक्रामा की जिसका एक साल से वेतन रुका हुआ, ये आशा है, इनको फोन पे डराया धमकाया भी उसको एक फोन पे मैसेज मिला है कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा। जानकारी ये होनी चाहिए कि आशा कोई सरकारी कार्यकर्ता नहीं है, उसको कोई, लेकिन सरकार के अंदर कार्य कर रहा है सर, कोई वेतन नहीं मिलता है, प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो कार्य करता है उसी के एवज में उतना ही राशि मिलती है, उस राशि से भी वंचित रखा गया है सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। सर यहाँ पे सच्चाई दिखाने पे, सर यहाँ पे सच्चाई दिखाने पे पत्रकारों को नोटिस किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आज हम लोग भी आपसे सवाल कर रहे हैं फिर से तो नोटिस नहीं आ जाएगी? इस नोटिस कौन दिया, नहीं हेल्थ मैनेजर दिया है सर, आपको उस समय आके कहना चाहिए सर, हम लोग को नहीं बुलाया गया, सूचना सिविल सर्जन वगैरह को दिए हैं, जिलाधिकारी को भी दे चुके हैं, तब उनके स्तर से क्या कार्रवाई होती है देखा जाए। ठीक है, पत्रकार अगर सच्चाई दिखाते हैं तो हेल्थ मैनेजर के द्वारा इनको नोटिस भेजा जाता है, वकालत नोटिस, यदि उनको लगेगा कि गलत है तो वो अपने बचाव में देंगे ना, यदि आप उस पे उसको उसकी सत्यता को साबित कीजिएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर भागलपुर जिले में और सारे बहुत अस्पताल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस सनहोला अस्पताल पे ही क्यों सर? इसके बारे में हम सजग हैं और जितना जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे कि जो है विवाद खत्म हो जाए। आपसे सर इस क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीद है, कब तक उसके उम्मीद पे खड़ा उतरिएगा सर? देखिए तुरंत तो नहीं होगा, ये हम लोग जो है हायर ऑफिसर से भी बात करेंगे और क्या उनका आता है आदेश उसी के हिसाब से काम होगा।